कहता है छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी मत लो, टाइम पर ये पैसा नहीं देते हैं। जहाँ महीना लगती है एक तारीख के, देते हैं 10-15 के। जैसे मान लो हम काम कर रहे हैं, हमें प्यास लग रही है, तो प्लास्टिक के गिलास में पानी दे देंगे। टॉयलेट के लिए भी कहेंगे बाहर जाओ, जब हम सारे दिन आपके घर में रहेंगे तो कहाँ जाएंगे बाहर। हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी लेबर लॉ की व्यवस्था में डोमेस्टिक वर्कर्स को कभी माना ही नहीं गया कि वो वर्कर हैं, तो उनकी ठीक से गिनती भी नहीं है। डोमेस्टिक वर्कर अभी हम अगर उनका कैटेगरी करेंगे, तीन टाइप का वर्कर है, जो पार्ट टाइम आने जाने का काम करता है, और जो फुल टाइम वर्कर है, जो सुबह से जाके, सुबह के 8 बजे से जाके शाम के 6 बजे तक आता है, और इन हाउस डोमेस्टिक वर्कर है, उनका जो बेसिकली माइग्रेट होके झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम से आते हैं, वो पूरा 24 घंटे रह के काम करते हैं। पर डोमेस्टिक वर्कर का अगर बोलेंगे, देश में लेजिस्लेशन डोमेस्टिक वर्कर के लिए कुछ नहीं है। आज तक 16 स्टेट में उनका मिनिमम वेज नाम को लेके पेपर में नोटिफाई हुआ है, बट लोगों को मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। फिलहाल पूरे देश के पैमाने पे कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं है। अलग अलग प्रांतों ने अलग अलग छोटे छोटे कानून बनाए हैं, जो वहाँ के स्थानीय डोमेस्टिक वर्कर्स को कुछ मदद देते हैं, पर वो भी बहुत अस्थाई है। जैसे महाराष्ट्र ने एक डोमेस्टिक वर्कर्स का कानून बनाया, उसमें एक बोर्ड भी है, उसमें उन सबका रजिस्ट्रेशन भी है, एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिलता है। इसी तरह तमिलनाडु मैनुअल वर्कर्स एक्ट में एक बोर्ड है, केरला में एक बोर्ड है, पर ये बोर्ड उतने कम्प्रिहेंसिव नहीं है जैसा ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि हम एक थर्ड पार्टी बनाएं, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई से अलग हो, सरकार से भी अलग हो, क्योंकि आजकल सरकार बहुत सारी लेबर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। तो ये एक थर्ड पार्टी हमने सोचा है कि ट्राइपार्टाइट बोर्ड के रूप में हो, जिसमें मालिक, मजदूर और सरकार के प्रतिनिधि हों, और जो मालिकों से और जहाँ जहाँ से कंट्रीब्यूशन ले सकती है, कंट्रीब्यूशन लेके रिसोर्स क्रिएट करे, और उन रिसोर्सेज से डोमेस्टिक वर्कर्स को सारी सामाजिक सुविधाएं दे, तो ही एक लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंटेबल तरीका बन सकता है।